नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइड और मैं हूं शुभ्रा। डॉक्टर एन सरवन कुमार, सचिव कृषि विभाग द्वारा बामिती पटना में ग्रामीण आजीविका में सुधार एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियां विषय पर आयोजित दो दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा स्टॉल का अवलोकन किया गया एवं कृषक संदेश पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के बीजों एवं जीवंत पौधे सामग्री का प्रदर्शन एवं विपणन, किसानों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री और उद्यान प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेला में कृषि क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि एवं संबद्ध विषयों पर आधारित फिल्मों को माइक्रो एसडी कार्ड के माध्यम से प्रगतिशील किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहुंचा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से किसान अब अपने स्मार्टफोन के माध्यम से वैसे जगह पर भी कृषि और संबद्ध विषयों की फिल्मों को देख पा रहे हैं जहां 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस किसान मेला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्रों तथा किसानों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का को प्रदर्शित करना है। एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। और ये हमने देखा है कि आपने मैं सबसे पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ये 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन यहाँ पर करने का निर्णय लिया और आज आयोजित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग जो किसान मेला करते हैं थोड़ा पहले हो जाता था, लेकिन अभी कोरोना का स्थिति के चलते, कोरोना का स्थिति जैसे ही ठीक होना शुरू हुआ उसके बाद ही इस तरह का एक मेला लोगों को बुला के करने का, ये सब काम करना हम लोगों का संभव हो पा रहा है। इस कारण से ये मार्च के अंत में ये किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। अदरवाइज जनरली सामान्य रूप से पहले ही हो जाता था। फिर भी जो इसका आयोजन हुआ है मुझे बहुत खुशी है कि ये इसके आयोजन अभी हो रही है। अभी जैसे मैंने प्रदर्शनी देखा कि काफी अच्छा प्रदर्शनी था, जो उसमें हमें देखने को मिला कि जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इतने भी अच्छे काम किए जा रहे हैं और उनके अधीनस्थ कृषि विज्ञान केंद्र है KVKs, उनके द्वारा भी कितने भी अच्छा काम किया जा रहा है। और उसके अलावा जो किसान है, किसान के द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है उसका प्रदर्शनी यहाँ पर मुझे देखने को मिला। ये प्रदर्शनी इसलिए लगाया जा रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से ये जानकारी देना बताना चाहूंगा कि अधिक से अधिक किसान भाई और बहन यहाँ पर आके ये प्रदर्शनी को जरूर देखें। जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मैंने बताया कि ऐसे प्रदर्शनी के क्या महत्व है इसको समझने की जरूरत है कि जैसे पहले से मखाना तो यहाँ बिहार में बहुत पहले से होते आ रहा है, कोई नया चीज नहीं, लेकिन जो मखाना में बहुत तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं कि उसमें कास्ट कर जो मखाना का जो कटनी हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको जो पॉपिंग करते हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं, मैनुअली करना पड़ता है, उसका कोई मशीन का प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो उसका मुख्य कारण है कि जो बीज का प्रभेद है कि जो वाइल्ड वैरायटी का लोग पहले से यूज करते आ रहे, कोई अच्छे ढंग से विकसित प्रभेद नहीं। अभी जो सबौर मखाना 1 जो बोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के द्वारा जो विकसित किया गया है तो उसका अभी जो हम लोग फील्ड में प्रयोग करके देख रहे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है कि जो पहले ऐसे ही जो पुराना वैरायटी है उसका हम लोग उसको एकदम वो ऐसे ही जंगल टाइप का वैरायटी है तो वो वैरायटी को प्रयोग करने से जो कितना उत्पादन होता था उससे काफी अच्छा उत्पादन इसमें हो रहा है और एक ही साइज का हो रहा है। उससे जो पॉपिंग बाद में करते हैं उसमें काफी मतलब सुलभ होता है और उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो देसी वैरायटी है, देसी प्रभेद जो पहले लोग प्रयोग करते थे उससे कितना बड़ा होता है जो बीज, और इसमें जो नया हम यूज करेंगे सबौर मखाना 1 वाला तो उससे कैसे होता है, क्या अंतर है, वो एकदम देखने को मिलेगा। और सीइंग इज बिलीविंग,
उसका मतलब है कि वो देखने के बाद ही भरोसा रखेगा। कितने भी वो हम यूनिवर्सिटी में या कहीं भी महाविद्यालय में बुला के ऐसे ही ट्रेनिंग में हम कुछ भी बोलेंगे, वो इतना ज्यादा विश्वास नहीं होगा। किसान के विश्वास होगा वो देखने के बाद। और वो प्रदर्शनी का सबसे मुख्य काम है कि वो आपको दिखाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और वो देखने का आपको मौका मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा राज्य के किसान लोग हैं जो कितने भी हैं वो सब बड़ी संख्या में आकर 2 दिवसीय किसान मेला का जो आयोजन है उसका पूरा फायदा उठावें, ये मैं चाहूंगा। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय का 3 तरह का मुख्य रूप से काम होता है। एक है अनुसंधान रिसर्च, उनका रिसर्च करना होता है, और दूसरा है कि शिक्षा, यानी जो वहाँ पर बच्चे लोग वहाँ एडमिशन लेके पढ़ते हैं नहीं यूजी और पीजी के लिए, तो उनको पढ़ाना ही का, यानी शिक्षा का काम। तीसरा है प्रसार, प्रसार का मतलब है एक्सटेंशन, प्रसार का मतलब है कि जो भी नया तकनीकी विश्व में कहीं भी विकसित होता है डेवलप होता है वो किसान के खेत तक कैसे पहुंचे, सबसे बड़ा चैलेंजिंग वही है।